ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन के One UI 7.0 विथ एंड्रॉयड 15 अपडेट के बारे में। हमारे स्मार्टफोन के लिए अपडेट मिलना कब से शुरू होने वाला है, क्या कुछ न्यू फीचर्स के साथ अपडेट रिलीज किया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग ने बीटा फर्स्ट की अपडेट जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे को One UI 7.0 की काफ़ी सारी फीचर्स इंक्लूड मिल जाती है। देखिए, मैंने फीचर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है और उसमें One UI 7.0 की काफ़ी सारी फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसे सिंपली वॉच कर सकते हैं। बाकी बात करें One UI 7.0 के रिलीज डेट के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल सैमसंग ने 30 अक्टूबर से जो है वो स्टेबल अपडेट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से इस साल भी बताया जा रहा है कि नवंबर मंथ के एंड या फिर से दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग से जो है वो One UI 7.0 की स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स A25 5G स्मार्टफोन को जनवरी 2025 के एंड से लेकर फरवरी 2025 तक फाइनली अपडेट मिल जाएगी। वहीं पे One UI 7.0 विथ एंड्रॉयड 15 की सभी न्यू फीचर्स के साथ अपडेट जो है वो आने वाली है। देखते हैं सैमसंग वाले क्या कुछ करते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।